रिवीजन देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अगर प्राइस राइज हुई, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाती है, कम। प्राइस राइज तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड फॉल। अगर प्राइस को गिरा दिया, फॉल किया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड राइज। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने इसके फीचर्स किए थे लास्ट क्लास में, डिमांड कर्व किया था, उसका डायग्राम किया था, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा उसमें, जिसकी भी लास्ट क्लास मिस हो गई थी। तो लॉ ऑफ डिमांड में किसी को डाउट है कोई, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। अगर प्राइस राइज होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का समझो प्राइस 10 रुपए, अगर उसका प्राइस 10 से हमने बढ़ा दिया ना सडनली 15, तो उसका डिमांड कम हो जाता है, लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों का परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सडनली प्राइस क्या हो जा रहा है, राइज। और अगर जैसे ही प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तब क्या होता है, 10 का था प्रोडक्ट, अगर वो अब 6 का हो गया, तो जो पहले 10 में खरीद रहा था वो भी लेगा, और अब थोड़ा सा कम होने की वजह से जिसका इनकम वहां तक होगा अब वो भी परचेज कर पाता है, तो वो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस मैम, ठीक है, यस मैम। हाँ। अब इस पे समझो, ये तो हो गया, लेकिन अब अपन ना इसमें कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब मैंने बताया है अपोजिट, एक्सेप्शंस का मतलब हो जाता है अपोजिट, ऐसी सिचुएशन का आना जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगी। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि प्राइस राइज हो गई तो डिमांड क्या हो गया, कम। लेकिन एक्सेप्शंस में हम जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे कि प्राइस राइज तो हो रही है लेकिन डिमांड कम नहीं होगी, अब क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस कम हुई तो डिमांड भी कम। तो एक्सेप्शंस मीन्स जस्ट इसका अपोजिट। तो ऐसे 3-4 केसेस होंगे जिनमें लॉ ऑफ डिमांड अपोजिट वर्क करेगा, तो हम उसको अभी स्टडी करेंगे। देखो, अब इसमें फर्स्ट देखो, एक्सेप्शंस में पहला इन्फीरियर बोलते हैं हम चीज को, इन्फीरियर और गिफन गुड्स, ऐसे गुड्स, ऐसे गुड्स जो इन्फीरियर माने जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, एक्सपेंसिव माने जाते हैं, है ना। तो एक्सपेंसिव चीजें हम क्या सोचते हैं, मेंटालिटी है, जितना उसका प्राइस ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा होगा, और जैसे ही अगर उसका प्राइस कम होता जाएगा सडनली ब्रांडेड चीजों का, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ इशू आ गया। तो इन्फीरियर और गिफन गुड्स में क्या हो जाता है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्सपेंसिव फूड होते हैं, यहाँ पे ना फूड से रिगार्डिंग होगा, तो ऐसी चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। सेकंड है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशंस, जैसे देखो जो पहले वाला था इन्फीरियर और गिफन गुड्स, ये मैंने बताया फूड से रिलेटेड है ना, और ये गुड्स से रिलेटेड होगा। सपोज डायमंड, डायमंड जैसी चीजों के प्राइस जितने राइज होते हैं, बढ़ते हैं, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है और उसकी डिमांड और बढ़ते जाती है। आ रहा है समझ में, ये क्यों लेते हैं लोग, इसको यूटिलाइज या कंज्यूम करने के लिए नहीं लेते हैं, बट फॉर देयर स्नॉब अपील, मतलब अच्छा लगता है लोगों को बताने में कि ये हमने इतना कॉस्टली प्रोडक्ट लिया या परचेज किया, फॉर स्नॉब अपील। तो फर्स्ट वाला फूड से रिगार्डिंग था, सेकंड वाला मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, दिखावे के लिए, फॉर द स्नॉप अपील। एक सोसाइटी में एक स्टेटस होता है लोगों का। दूसरी चीज होती है स्पेक्यूलेशन,
यहाँ पे स्पेकुलेशन का मतलब ऐसी चीजों से है जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका गुड्स का जो प्राइस है वो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ते जाएगा और ड्यूरेबल है वो गुड्स। यहाँ देखो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ड्यूरेबल मीन्स जिसको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं घर में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हो चाहे खाने पीने की चीजें हो। ऐसी चीजें अगर हम अभी परचेज करके रख रहे हैं और 2 महीने के बाद भी अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो चीज ड्यूरेबल है, संभाल के रखने लायक है। तो क्या करते हैं लोग, जब पता है कि प्राइस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा, तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे उसका गुड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। या फिर तो देखो जैसे ही प्राइस कम हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज करते जा रहे हैं। अब अपोजिट में सोचो, जैसे ही गुड्स का प्राइस कम होगा तो लोग परचेज करना छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है लोगों को और कम होगा। जैसे ही प्राइस कम होता जाएगा और कम होगा और कम होगा, तो लोग क्या करते हैं, खरीदना उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीजों में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, स्पेकुलेशन बोलते हैं उसको। दूसरा फोर्थ है इसमें कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन, साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन, भ्रम, मैन्युपुलेट करना कंज्यूमर्स के माइंड के साथ, मैन्युपुलेट करना कि जो हाई क्वालिटी हाई प्राइस का जो गुड्स रहता है जिसमें जिसका प्राइस ज्यादा होता है उसका जो क्वालिटी होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ये एक फॉल्स आइडिया है लोगों के माइंड में। समटाइम कंज्यूमर ये डेवलप कर देते हैं और इसी की वजह से लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं उसका प्राइस बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस इफेक्ट। इग्नोरेंस इफेक्ट क्या होता है, जैसे बता कोई बताएगा, इग्नोरेंस इग्नोर करना, इग्नोरेंस इफेक्ट क्या होगा इसमें। इग्नोरेंस इफेक्ट में जो लेबलिंग होती है ना गुड्स की, हम उस पे ज्यादा वो हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो और कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, आपने कुछ पैकिंग वैकिंग देख के कुछ अच्छा सा खरीद लिया, घर आया पैकिंग खोला अंदर से कुछ भी नहीं निकला, हुआ है ऐसा किसी के साथ, बताओ। तो ये लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है ना। तो ये अट्रैक्टिव पैकेजिंग लेबलिंग की वजह से होता है। फिर इमरजेंसीज, जो अभी बेटा आपने बोला ना कि जो एसेंशियल्स वाली चीजें हैं जो हमको चाहिए तो वो इमरजेंसीज में डालेंगे, आपके वाले पॉइंट को क्लियर है, इमरजेंसी है। जैसे अभी देखो पैंडमिक में हुआ ना, इमरजेंसीज थी, लोग फिर भी खरीद रहे थे। मास्क वाला एग्जाम्पल देख लो, वो जो 2 या 3 रुपए वाला मास्क था वो 10-20 रुपए में बिका, 10-20 वाला 25-30 में बिका, है कि नहीं। तो इमरजेंसीज, लोगों को फूड स्टोर करके रखना पड़ा, लोग जो शॉप्स थी वहां पे एसेंशियल कमोडिटीज बची नहीं तो प्राइस राइज होते जा रहा था, फिर भी लोग खरीद रहे थे ड्यू टू द लॉकडाउन इफेक्ट, इमरजेंसीज इफेक्ट, क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस राइज है उसपे डिमांड फॉल नहीं होता है, उसपे और डिमांड राइज हो जाता है, और जैसे ही प्राइस फॉल हो जाएगा डिमांड भी क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन मतलब जस्ट अपोजिट, बताइए। यस मैम। ओके, जो लॉ ऑफ डिमांड था तो इस पे मैंने कर्व बताई थी, वो डाउनवर्ड की तरफ जाती थी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कर्व ऊपर की तरफ जाएगी। याद है किसी को, लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे थे तो कर्व डाउनवर्ड जा रही थी, लेकिन अब कैसे हो जाएगा, कर्व अपवर्ड की तरफ जाएगी। क्लियर है सबको, इलास्टिक क्या होता है, रबर खींचते हैं ना अपन इलास्टिक को, है ना, कैसे होता है, जितना खींचते हैं जितना स्ट्रेच करते हैं खिंचाता है, बट उतना ही बाउंस बैक भी करता है, वो करता है कि नहीं करता है। यस मैम। तो
अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना चीजों को। तो मैं किसकी इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ? डिमांड की। हम अब जितना भी डिमांड डिमांड को खींचना, समझो डिमांड खींच रही है, मतलब अगर हम रबर को स्ट्रेच करते हैं क्या होता है, डिमांड बढ़ रही है, बाउंस बैक डिमांड कम हो रही है, लॉजिक समझो। तो अभी मैं जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगी वो किसके ध्यान में रखते हुए करूंगी, डिमांड को। तो अपना डिमांड फोकस पर रहेगा और किसकी वजह से डिमांड चेंज होगी वो सेकेंडरी हो जाएगा अपने लिए। फिर हम इनकम को ध्यान में रखते हुए करें या एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए करें या फिर सेविंग को ध्यान में रखते हुए करें, लेकिन अभी हम बात किसकी करेंगे, डिमांड की। ये क्लियर हुआ? यस मैम। आगे देखो क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो रेड स्पॉट फॉलो करना सर, ये लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, अभी मैंने बताया था लॉ, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है इंक्रीज विल फॉल। अगर प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जो क्वांटिटी डिमांड होती है, डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांडेड लिखना, वो क्या हो जाएगी, कम। और अगर प्राइस जो कमोडिटी का कम हो जाएगा तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यहाँ डिमांडेड मिसिंग है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड था। तो जो लॉ ऑफ डिमांड था वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज की। डायरेक्शन डायरेक्शन आप समझ रहे हो, ये वाला साइन को ध्यान पे देखो बेटा, ये वाला देखो, एक साइन बना रही है, ये डायरेक्शन है ना, ये देखो, ये प्राइस अबव है ना, ये नीचे की तरफ आया, आ रहा है समझ में। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम, अगर प्राइस को अगर हम ऐसे गिरा देंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये होती है डायरेक्शन। तो हमको लॉ ऑफ डिमांड ने सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि प्राइस कम क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी कम प्राइस बढ़ी, बस। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का देखो, अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये बताता है कि कितना, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितने मतलब अगर जो ये एरोज जो देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे, तो कितना 0.1, 0.2, 0.3 या 10% या 20% या 30%, तो ये जो हमको मेजर करके दे रहा है वो कौन मेजर करके देगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखना हाउ मच या कितने एक्सटेंट तक जो क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है किसके का, उसमें प्राइस में। देखो मैंने बोला था कि हम किसको स्टडी करेंगे, डिमांड को। फिर हम सेकेंडरी पे हम क्या आएंगे कि किसके बेस पे, तो अभी हम किसको लेके चल रहे हैं, प्राइस पे, रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। ये कभी प्राइस भी होगा, ये कभी इनकम पे भी कर सकते हैं अपन, कभी एक्सपेंडिचर पे भी। तो अभी हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, अभी अपन किसके बेस को लेके चलेंगे, प्राइस को लेके चलेंगे, और किसकी इलास्टिसिटी चेक करेंगे, डिमांड की, कि कितनी बढ़ रही है, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट, क्या रिस्पॉन्स है, मतलब कितने परसेंट तक या कितने पॉइंट तक। तो वो हम किसमें स्टडी करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। यहाँ तक क्लियर है मीनिंग में सबको? नेक्स्ट देखो आप, ये देखो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया। अगर प्राइस बढ़ रही है, देखो राइज लिखा है, कितने से 10% से, तो डिमांड पे क्या होगा, हमको पता है डिमांड तो कम होगी पर कितनी परसेंट, 10% से ज्यादा कम होगी या 10% से कम। अभी बताया मैंने आपको कि कितना परसेंट, अगर सपोज अगर हम किसी गुड्स का प्राइस 10% कम तो कर रहे हैं, लेकिन डिमांड पे कितना, 10% या 10% से कम, कितना असर होगा, ये हमको बताएगा इलास्टिसिटी। आगे देखो इलास्टिसिटी मेजर करेगा एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस हद तक, टू विच डिमांड विल चेंज। आगे देखो अब देखो ये कुछ डेफिनेशंस हैं,
आप लोग अच्छे से याद करना ये डेफिनेशंस, एग्जाम में लिखेंगे आप लोग अच्छे से. मेन इंपॉर्टेंट है मार्शल की, डॉक्टर मार्शल क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी डिफाइंड एज परसेंटेज. मैंने बताया कि कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में डालेंगे कितना चेंज हो रहा है डिमांड में और नीचे डालेंगे कितना चेंज हो रहा है प्राइस से, फिर उसको डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बोल्डिंग क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो ये सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बोल्डिंग ने जो डेफिनेशन दी है वो किसकी दी है, प्राइस इलास्टिसिटी की. क्या मेजर करते हैं, रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स करती है ना, इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस. डूली कहता है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस, सेम है देखो. एंटोल मुराद कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ही निकलता है देखो यहाँ पे, जब डिवाइड वर्ड यूज किया है इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, रेशियो. सपोज 1/3 क्या है, एक रेशियो. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक डिवाइस यानी एक तरीका है जिससे हम मेजर कर सकते हैं रेट कि कितने रेट में, मतलब रेट मीन्स परसेंट वाइज कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, किसके के उसमें, प्राइस के उसमें. देखो मैंने बताया था कि अपना प्राइमरी तो डिमांड है लेकिन सेकेंडरी हम किसको लेके चल रहे हैं, तो अभी जब अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम ये तो बताएंगे कि क्वांटिटी में कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पॉन्स में, प्राइस के रिस्पॉन्स में. हम आगे चल के इनकम के रिस्पॉन्स में पढ़ेंगे, फिर एक्सपेंडिचर के रिस्पॉन्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट हम किसके रिस्पॉन्स में पढ़ेंगे, प्राइस, कि अगर प्राइस कम ज्यादा हो रहा है तो डिमांड में कितना ज्यादा असर होगा, वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर्मूला है देखो इलास्टिसिटी, ई का मतलब इलास्टिसिटी, डी का मतलब डिमांड, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी माइनस में, याद रखना. ऊपर लिखेंगे हम कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, याद रखना परसेंटेज चेंज. इसमें देखो एक चीज, सपोज मैं इसमें टाइप कर रही हूँ, ध्यान से देखना, क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं, पहले हम 100 की डिमांड रखते थे, ठीक, अभी अपन कितना डिमांड कर रहे हैं, 150. प्राइस देखो, प्राइस था पहले 100 का 75, लेकिन जैसे ही इसका प्राइस 50 हो गया तो डिमांड बढ़ गया. अब देखो मैंने यहां लिखा है परसेंटेज चेंज, तो देखो ये 100 था, ये कितना हो गया 150, तो कितना परसेंट बढ़ा बताओ, फिफ्टी परसेंट है ना, तो 50% का इफेक्ट आया. अब देखो इसमें है ना, एक तो यहाँ पे कितने का फर्क पड़ रहा है, 50% का, और नीचे बताओ कितने का फर्क पड़ रहा है, पहले 75 था अब कितना हो गया 50, तो कितना परसेंट कम हुआ बताओ, 25 रुपीज अगर कम हो रहा है तो कितना परसेंट कम हुआ, आई थिंक 33%. तो देखो तो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हुआ 50, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ 33, तो 33% प्राइस अगर हम कम कर देते हैं तो डिमांड कितनी बढ़ रही है 50%, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है इसमें. देखो ये फॉर्मूला था इसका मेजर करने का. नेक्स्ट देखो अब इसमें फॉर्मूले भी लगाएंगे, 50/33 कितना आएगा आंसर बताओ मैम, ये 25 होगा ना, क्यों 75 माइनस
बेटा मैं परसेंट की बात कर रही हूँ, फॉर्मूले में देखो परसेंटेज, परसेंट कितना है, डिफरेंस की बात नहीं हो रही बेटा, परसेंट की बात हो रही है। तो 1.51 समथिंग आएगा। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बेटा मैथ्स वालों। देखो यहाँ पे देखो, अगर किसी चीज का प्राइस, देखो यहाँ पे देखो 100 है और अगर उसका प्राइस हमने 150 किया तो 100 का 50% कितना होता है बताओ, बोलो प्रशांत बेटा, साथ साथ रिस्पॉन्ड करते जाओ तो समझ जाओगे। मैम 50 है ना, तो 100 का 50% 50 होगा, तो देखो इसलिए उसमें 50% जुड़ गया, 50 तो कितना बढ़ गया, 100 से वो हो गया 150, तो ये 50%, तो 75 का 33% कितना होगा बताओ, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। होगा 75 का 33%, यस मैम, है ना। यस मैम, तो देखो प्राइस उतने से ही कम हुआ ना, 25 रुपए से, यानी कितना हुआ 50 पे आ गया वो। आ रहा है समझ में? किसी को डाउट है क्या परसेंटेज वाले पॉइंट में? अपना, हनी? नो मैम। क्लियर है? परसेंटेज वाले में डाउट तो नहीं है ना? प्रशांत बताओ, कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा जल्दी से। नो मैम। अब क्लियर है ना? तो देखो हमने इस पे क्या पुट किया फॉर्मूले में, परसेंट, तो कितना आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.51। तो देखो इसको कैसे मेजर करते हैं, तो जब हम इसका आंसर लिखते हैं ना ऐसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई 1.51, इट मींस हमारा ही जो इलास्टिसिटी है वो मोर देन है किससे, वन से, एक से ज्यादा हुई ना। आ रहा है कुछ समझ में एरो? तो अब तो अपनी, अपन जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना इसमें, हम इसको ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स पे करेंगे, इसके पैरामीटर्स मैं इसको आगे बता रही हूँ। तो अभी देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई, एक से ज्यादा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। क्लियर है मैम? वो तृप्ति का कनेक्ट नहीं हो रहा है, बोरी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है करके। कोई बात नहीं बेटा, उसका लास्ट का ही छूटा होगा, 2-3 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम जो साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो वो आराम से देख सकती हैं, वो जहाँ से उनका मिस हुआ होगा उसको वहां से कर लेंगी वो, कोई टेंशन नहीं।